चक्कर, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ आप मेरा आंखों पे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपका तरफ देख रहा हूँ। ये जो होता है हर किसी को वीडियो मेरा भाई भेजता है, लेकिन आप लोगों का सोच कुछ 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 साजिश कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है ये वीडियो को देखो। तो उधर लोग आपको क्या करते हैं, 10 लोगों को भेजा तो 2 लोग आपका वीडियो में जो है भाई क्लिक करता है। आंखों में आंख रख के बात कीजिए, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए आप उससे बात कर रहा है, कोई वीडियो के थ्रू नहीं, आप खुद बैठ के उससे बात कर रहे हैं। आपसे इतना टाइम तक बात किया, मेरा आप एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं गए, आपका तरफ फोकस रहा है। तो हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये ब्लॉग नहीं है, एक तरफ का मोटिवेशन आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग को एक प्रॉब्लम होता है, वीडियो हम लोग बनाता है बहुत मेहनत लगता है, सभी को पता है, ठीक है। वो बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होता है, अपलोड कर देते हैं हम लोग, अपलोड करने के बाद व्यूज नहीं आता है, लेकिन हम लोग सोचता नहीं है क्यों नहीं आता है, सभी का वीडियो में आता है, हमारा वीडियो में क्यों नहीं व्यूज आता है, ये एक रीज़न रह जाता है और एक बहुत मेंटेलिटी प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो तो आपको पता होगा। आप चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर है, जो यूट्यूब में काम कर रहा है वो सभी लोगों को पता है एक्चुअली फंडा क्या है यूट्यूब का। तो ये देखो मेरा एक स्क्रीनशॉट, इसमें मैं देख रहा लास्ट 2 हफ्ते में इसमें 103 व्यूज गया। तो इसका एनालिटिक्स जो मैं चेक किया, देखो इन्फ्लेशन कितने लोगों को भेजा, करीब 2000 लोगों को भेजा, ठीक है। और व्यूज किस साइट से मेरा कोई 100 का ऊपर व्यूज आया, आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन वीडियो, इसमें से मेरा व्यूज आया सबसे ज्यादा, ठीक है। साजेस्ट लोग साज करके देख रहे हैं कम है, रिकमेंडेशन मैंने कि मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब खूब आपको या मेरा दूसरा कोई दोस्त को, मतलब यूट्यूब जो है, यूट्यूब में जितना लोग रहते हैं सभी को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, बट वो तो बात अलग है। तो नया लोगों को यूट्यूब साजिश कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है ये वीडियो को देखो। तो उधर लोग आपको क्या करते हैं, 10 लोगों को भेजा तो 2 लोग आपका वीडियो में जो है भाई क्लिक करता है, और क्लिक इसलिए करता है क्योंकि देखता है इस वीडियो में है क्या। तो जिस टाइम वो वीडियो क्लिक करता है, YouTube ये फॉलो करता है, एक बंदा ने वीडियो पहले किया बट वो कितना टाइम तक वीडियो देखा, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि 2 मिनट 1 मिनट का ऊपर आपका वीडियो जब देखेगा YouTube, और लोगों के पास आपका वीडियो भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि लोग उसमें टाइम दे रहा है, लोग अपना फोन का डाटा जो है उसमें 2 मिनट टाइम दिया, तो 2 मिनट का जितना डाटा होता है जो कुछ भी होता है मतलब टाइम दे रहा है यूट्यूब को, ये पता चल रहा है वीडियो में कुछ ना कुछ है जो लोग देख रहा है। मेरा ये वाला वीडियो में आप स्क्रीनशॉट में देख लो, 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसा कुछ है, तो ठीक है, मतलब इतना टाइम पकड़ के लोग देखा। अगर ये वीडियो पूरा खत्म करते हैं यानी कि शुरू से एंड तक लोग देखता है, तो इस टाइम यूट्यूब क्या करता है, वो जो वीडियो है उसको ज़्यादा बूस्ट करता है, यानी कि सभी का मोबाइल में भेजता है और उससे व्यूज आता है, उससे वीडियो वायरल होता है। तो आप लोगों को एक ही चीज फॉलो करना, अब जो वीडियो बना रहा है आंखों में आंख रख के बात कीजिए, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए आप उससे बात कर रहा है, कोई वीडियो के थ्रू नहीं, आप खुद बैठ के उससे बात कर रहा है। जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ आप मेरा आंखों पे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपका तरफ देख रहा हूँ। ये जो होता है ऑडियंस रिटेंशन, लेकिन मेरा जो वीडियो है वो ब्लॉग का रहता है, यानी कि फूड का, गाँव का साइड, जो ब्लॉग है ब्लॉग टाइप का वीडियो रहता है, मतलब टाइप का नहीं, एक्चुअली मेरा कॉन्टेंट जो है ब्लॉग है, तो ठीक है। उधर जो मार्केट में होता है इससे आप आंखों का जो रिटेंशन है ये दे नहीं पाता है मैं, क्योंकि उधर मैं फूड का ब्लॉग करता हूँ, यानी कि खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है, इसका ये है उसका ये है, जो है वही मैं बताता हूँ। और उधर पब्लिक प्लेस में ज़्यादा लोग रहता है, साइड का कोई आवाज़ ये वो रहता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ये मत सोचो जो मेरा वीडियो में 10 व्यूज आ रहा है इसका मतलब मेरा वीडियो यूट्यूब किसी के पास भेज नहीं रहा है, यूट्यूब हर किसी को वीडियो मेरा भाई भेजता है। लेकिन आप लोगों का सोच कुछ कुछ लोगों का, आप लोगों का बोलना मेरा बहुत बड़ी गलती होगा, कुछ कुछ लोग जो है जो नया, वो लोग जानता नहीं एक्चुअली व्यूज क्यों नहीं आता है, क्योंकि ऑडियंस जो है, ऑडियंस रिटेंशन वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपका ये चीज ध्यान देना है, आप जब कंटेंट बना रहा है ध्यान से बना दीजिए और कैमरा की तरफ फोकस कीजिए। मैं आपसे इतना टाइम तक बात किया, मेरा आप एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं गए, आपका तरफ फोकस रहा है, क्यों रहा? क्योंकि आप मेरा बात सुन रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा, मतलब उनका आवाज़ से आपको ऐसा फील होगा ये बंदा जो है मेरे साथ बात कर रहा है। हाँ मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना, यूट्यूब ज़्यादा फॉलो करता है भाई, और इसके लिए जो है वीडियो ज़्यादा, और एक वीडियो मैं देखता हूँ, ये देखो 40 का आजू बाजू में इसका व्यूज है, मतलब 37,
तो इस वीडियो में अगर मैं इन्फ्लेशन में जाऊं तो देखो 700 का ऊपर इस वीडियो का इन्फ्लेशन लोगों को तक भेजा है यूट्यूब में, ठीक है, मतलब 700 लोगों से 30 आदमी क्लिक किया, मतलब परसेंटेज पकड़ो तो आप जीरो। फिर भी क्यों किया? क्योंकि यूट्यूब चाहता है ये बंदा मेरा प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ये बंदा को हेल्प करना हमारा काम है। बट यूट्यूब सभी को हेल्प करता है, यानी कि बड़ा जो यूजर होता है उसको भी हेल्प करता है, जो छोटा यूजर होता है उसको भी हेल्प करता है। लेकिन हम लोग समझते हैं नहीं यार ऐसे नहीं, लेकिन यूट्यूब में आप काम करो, आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ सभी यूट्यूब बोलो, फेसबुक बोलो, सभी से काम करो। तो हाँ भाई, वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑलरेडी जो कर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलता हूँ नेक्स्ट कुछ वीडियो के साथ, तो बने रहे एक फैमिली की तरफ, उम्मीद करता हूँ।